नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एनडीएमसी अफसर को मिली ईमानदारी की सजा, होटल मालिक समेत तीन लोग गिरफ्तार। अफसर ने ठुकराई थी 4 करोड़ की पेशकश। निरंकारी प्रमुख गुरु हरदेव सिंह को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। दिल्ली में निकाली गई अंतिम यात्रा में हजारों श्रद्धालु जुटे। पत्नी सविंदर होंगी निरंकारी मिशन की नई प्रमुख। अमर सिंह को एसपी का टिकट मिलने पर छलका आजम खान का दर्द। कहा, मुलायम पार्टी के मालिक हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने ली चुटकी। कहा, सारे डूबने वाले एक साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सिंहस्थ कुंभ में स्नान करेंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस प्रज्ञा को उज्जैन लेकर पहुंची। प्रशासन ने जताई थी आपत्ति। वैष्णो देवी के पास त्रिकुटा के जंगलों में लगी भीषण आग पर पाया काबू। अब फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। कटरा की जगह वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से उड़ान भर रहे हैं हेलीकॉप्टर। अमेरिकी सीनेट ने पास किया 9/11 के लिए सऊदी पर मुकदमे का बिल। अब पीड़ित सऊदी अरब से मांग सकेंगे मुआवजा। विवादित बिल से सऊदी और अमेरिका के बीच ठनी। आईपीएल 9 में दिल्ली पर गिरी पुणे के गेंदबाजों की गाज। दिल्ली को 19 रनों से हराया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।